हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। इससे पहले हमने सम ऑफ प्रोडक्ट कैनोनिकल फॉर्म देखा था आपका क्या होता है, आज आपका है कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जनरल चीज ये है कि कैनोनिकल की जरूरत क्यों होती है। कैनोनिकल की जरूरत हम लोग तब एक्सेस करते हैं जब आपको क्या हो, कोई एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना हो यूजिंग के मैप। के मैप का यूज करके आप मिनिमाइज करें, उससे स्मॉल आपको एक्सप्रेशन दिया है तो उसे पहले आप कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही आप के मैप के अंदर उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या आपको हर एक टर्म को डिफाइन करना है अपने एक्सप्रेशन के अंदर तो उस केस में आपका कैनोनिकल फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम की बात करते हैं तो इन दिस फॉर्म ईच सम टर्म कंटेन ऑल लेटर आइदर इन कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है उसमें जो सम की वैल्यू होती है वो मैंडेटरी होती है, आपकी इनर एरिया में सम होता है तो हर एक सम के अंदर आपके ऑल लेटरल होने जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एफ, मेरे पास फंक्शन है ए बी एंड सी। आपने यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बार, दूसरी वैल्यू आपने लिखी ए बी प्लस सी, फिर आपने लिखा है ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक कैनोनिकल फॉर्म में है। अभी जो स्टैंडर्ड, क्योंकि ए बी सी तीन वेरिएबल थे आपके और हर एक एलिमेंट के अंदर तीनों वेरिएबल का सम है आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ सम इनर एरिया में आपका सम होता है। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, कैनोनिकल फॉर्म में आपका कन्वर्टेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर दूसरा फंक्शन लिखूं ए बी एन सी और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, देन ए प्लस बी प्लस सी आपका है एंड उसके बाद आपका ए बार प्लस बी है, ये आपका है। तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है क्योंकि देखिए इसमें अभी सी एलिमेंट नहीं है और इसमें आपका कौन सा एलिमेंट नहीं है, इसमें भी सी एलिमेंट आपका नहीं है। तो ये अभी आपका क्या है, एज अ कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। तो आपको अगर इसे कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में तो कैनोनिकल फॉर्म की कंडीशन ये होती है, हम कन्वर्ट करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट आपका है एफ ऑफ ए बी एंड सी है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है बुलियन एक्सप्रेशन में, अगर हम लोग बात करते हैं तो सी डॉट सी बार ये किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। C डॉट सी बार आपका किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, A प्लस बी प्लस, इसके साथ क्या नहीं है, C नहीं है तो C प्लस सी बार हमने राइट अप कर दिया, तो C प्लस सी बार की वैल्यू वैसे जीरो होती है तो A प्लस बी में आप कुछ भी जीरो ऐड करेंगे तो A प्लस बी ही आपका आएगा। सेम आपका यहाँ पर है A प्लस बी प्लस सी है आपका, यहाँ पर भी आपका C नहीं है तो A प्लस बी प्लस सी डॉट सी बार आप यहाँ पर राइट अप कर देंगे। अब देखिए जब आप इस टेक्स्टल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होता है, आपके पास इसके लिए भी फॉर्मूला है ए प्लस बी डॉट बी बार है आपके पास, तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी बार। एक बार आप ए बी साथ में लिखेंगे और ए के साथ आप एक बार बी बार को भी राइट अप कर देंगे, तो सेम ऐसी यहां पर करना है आपने, यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बार, ये एलिमेंट सेम उतरेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा आपका ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये आपका हो जाएगा। अब कहीं पर आपके दो टर्म सेम होते हैं, ए डॉट ए जो है वो किसके इक्वल होता है आपके, वो ए के इक्वल हो जाता है। ए डॉट ए अगर आप बात करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ए के इक्वल हो जाता है। तो यहां पर देखिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपका सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक सिंगल एलिमेंट आप लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बार, ये एलिमेंट आपका एक हो गया है एंड इसके बाद आ जाएगा आपका a बार प्लस बी प्लस सी और लास्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा a बार प्लस बी प्लस सी बार। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप देखें तो ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम का कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म हम लोग इसको बोलते हैं। इनिशियली आपने ये दिया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ये जनरेट हो गया कैनोनिकल फॉर्म। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को कैनोनिकल फॉर्म। तो ये कैनोनिकल फॉर्म था आपका। नेक्स्ट हम ड्वेलिटी देखेंगे, ड्वेल क्या होता है आपका। थैंक यू स्टूडेंट।